अमेरिका में भीड़ ने जो उत्पात मचाया वो पूरी तरह से निंदनीय है, लेकिन क्या भारत में पिछले दो साल से किसी न किसी मुद्दे को लेकर भीड़ को इकट्ठा करके ऐसी ही कोशिश लगातार की नहीं जा रही? और इसके पीछे वही लोग हैं जिन्हें देश की जनता बार बार और चुनाव दर चुनाव नकार चुकी है। इनके तर्क और मुद्दे हर बार अलग होते हैं, पर तरीका एक ही, किसी संवेदनशील मुद्दे पर आक्रोश पैदा करो, भीड़ को इकट्ठा कर सरकार की विश्वसनीयता और नियत पर सवाल खड़े करो और संस्थाओं और व्यवस्थाओं को लांछित करो। पिछली सर्दियों में दिल्ली की सड़कों पर CAA के विरोध के नाम पर आम जनजीवन ठप्प कर दिया गया था, और अब कृषि कानून के विरोध के नाम पर दिल्ली में कुछ वैसा ही करने की कोशिश की जा रही है। वे कहते हैं या तो कृषि कानूनों को वापस लो या फिर वह दिल्ली को चलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अब तो धमकी गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर भी एक तरह से रोकने की दी जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर इस बार देश की गणतंत्र दिवस परेड के समानांतर एक अलग परेड आयोजित करने की घटिया कोशिश की जा रही है। ऐसा अराष्ट्रीय कार्य पहली बार नहीं हो रहा। जनवरी 2014 में भी आम आदमी पार्टी ने गणतंत्र दिवस परेड के विरोध में बोट क्लब के पास धरना दिया था, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। तब भी कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सोने का नैरेटिव चलाया गया था। केजरीवाल से लेकर योगेंद्र यादव सब सड़कों पर लेटे थे। आज भी कृषि कानून का विरोध करने वाले कई चेहरे वही हैं जिन्हें देश की जनता चुनावों में बार बार नकार चुकी है। किसानों का नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख नेता हैं हन्नान। हन्नान अपने को किसान नेता कहते हैं, पर असल में वे CPM के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। चुनाव हारने के बाद अब वे किसानों के नेता बन गए हैं। किसान यूनियंस भारत सरकार से समझौता करना भी चाहें, पर ये किसानधारी नेता कहते हैं कि किसान कानून वापस लिए जाने से कम कोई समझौता नहीं करेंगे। कृषि कानून का विरोध करने वाले अधिकतर लोग वामपंथी एक्टिविस्ट और अराजकतावादी तत्व हैं। उनके साथ अन्य विरोधी दल बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। 2014 और 2019 के दोनों ही चुनावों में हार चुके ये लोग अब एक चुनी हुई सरकार को कृषि बिलों के नाम पर मात देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि कृषि कानूनों में परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश है। अपना देश इतना बड़ा है कि हर प्रदेश के किसान एक कानून से खुश नहीं हो सकते। देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए अलग अलग किसानों की अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान मुख्यतः धान और गेहूं पैदा करने वाले हैं। इनके कुछ जायज मांगे हो सकती हैं, इन्हें नए कानूनों में शामिल किया जाना चाहिए। ये आमने सामने बैठकर बातचीत में लचीलापन अपनाकर ही हो सकता है। और तो और, कृषि कानून के बहाने ऐसे तत्व किसान और उद्योगों के बीच एक कृत्रिम दीवार खड़ी करने का काम कर रहे हैं। सब जानते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक नदी के दो किनारों की तरह हैं। किसानों को भड़काकर ये मूलतः विकास विरोधी दल उद्योगों को कृषि के सामने खड़ा करना चाहते हैं। ये कैसा तर्क है? जो उद्योग के लिए सही है वह कृषि के लिए गलत है। देश को उद्योग भी चाहिए क्योंकि उन्हीं से रोजगार मिलेगा, और कृषि भी चाहिए क्योंकि पेट भी उसी से भरेगा, और इन दोनों में कोई द्वंद और विरोधाभास नहीं है। लेकिन कुछ अतिवादी लोग इस देश में उद्योगों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल को एक अच्छे खासे खुशहाल तथा उन्नत विकासमान और संपन्न राज्य से अपने शासन में एकदम पिछड़ा राज्य बना दिया। ऐसा वे अब पंजाब में भी करने पर आमादा हैं। कृषि कानून के विरोध के नाम पर चल रहा प्रदर्शन भीड़ तंत्र का ही एक नमूना है। याद कीजिए, जब नागरिकता कानून का मामला आया था तब भी कुछ लोगों ने सार्वजनिक तौर पर भाषण देकर कहा था, अब तो फैसला सड़कों पर ही होगा। भीड़ को उकसाने की कार्रवाई तब भी हो रही थी, और भीड़ को उकसाकर जनता को बरगराने की कार्रवाई अभी भी हो रही है। यह बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। इस नाते ट्रंप समर्थकों ने लोकतंत्र पर जो हमला किया उसमें भारत में जो चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ वही हो रहा है। दोनों में बुनियादी सोच के तौर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लोगों के दर्द का इस्तेमाल कर उन्हें इकट्ठा करके अराजकता और असंतोष पैदा करना लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर तत्व चीन की निरंकुश व्यवस्था को अपना आदर्श और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को अपना आका मानते हैं। इसलिए भारत सहित दुनिया के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा इस समय चीन की अधिनायकवादी व्यवस्था से नहीं बल्कि अपने ही भीतर बसे इन तत्वों से है जो सड़कों पर आकर भीड़ को लाठी से देश को हांकने के लिए कहते हैं। इस आंदोलन का नतीजा कुछ भी हो, नुकसान हम सबका ही होने वाला है। यह भीड़ तंत्र लोकतंत्र का दुश्मन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।